अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफला चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 कप स्वीट, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। वीडियो आखिर तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लेकर फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। 1 कप बेसन का आटा डालकर भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। याद रखें, बेसन का आटा ब्राउन नहीं होना चाहिए। बेसन का आटा भूनते वक्त अच्छी खुशबू आएगी। 2 कप तुरबा हुआ कच्चा खोपरा डालेंगे। 1 कप घी। 2 कप शक्कर। 1 कप दूध डालकर मिक्स करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है। हाथ चलाते रहना है वरना नीचे से जलेगा। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। मिक्सचर कढ़ाई से हटना चाहिए। एक प्लेट को घी लगा कर रखना है, ताकि बर्फ़ी यह सेट होने के बाद आसानी से निकले। मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करके घी से यह ग्रीस किए हुए प्लेट में डालकर सेट होने देंगे। बादाम को क्रश करके रख ली थी, इसको डालकर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद डायमंड शेप में यह कट करेंगे। 20 मिनट्स के लिए बर्फी को सेट होने देंगे फैन की हवा में। टेस्टी 7 कप बर्फी बनकर तैयार है। आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।